प्रदेश में अब सड़क दुर्घटना में मौत होने पर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलेगी। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 की राशि दी जाएगी। बिहार सरकार का यह फैसला आज यानी 15 सितंबर से हर जिले में लागू हो गया है। बिहार सरकार ने यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया है। बता दें कि अभी तक बिहार में सड़क दुर्घटना में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाती है। बिहार में एक से अधिक लोगों की मौत होने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मुआवजा की राशि पीड़ित परिवार को दी जाती थी, लेकिन अब सड़क हादसे में किसी भी एक व्यक्ति की मौत होगी तो मुआवजा राशि जो कि 5 लाख रुपए है का सीधा लाभ उस परिवार को मिलेगा। परिवहन विभाग ने बैठक कर सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए तत्काल लागू करने की बात कही है। इसके लिए बिहार सरकार ने वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई है, जो लोगों को दुर्घटना के बाद मुआवजा राशि के रूप में मदद पहुंचाएगी। इस निधि में 50 करोड़ की राशि जमा की जाएगी, जो जरूरत के अनुसार लोगों को दी जाएगी। नए निर्देश के अनुसार दुर्घटना होने पर अगर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं किया गया है तो दुर्घटना की पूरी राशि वाहन मालिकों से वसूली जाएगी। पीड़ितों के द्वारा दावा करने के 30 दिन के भीतर यह राशि वाहन मालिकों को देनी होगी। अगर वाहन मालिक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वाहनों को जब्त करने के बाद नीलामी की जाएगी और राशि वसूली जाएगी। दुर्घटना होने पर अंतिम मुआवजा राशि की पूर्ति वाहन के बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के रूप में देना होगा। दुर्घटना होने पर मुआवजे का दावा किए जाने के बाद इसकी जांच SDM द्वारा की जाएगी। उसके बाद DM अंतिम रूप से मुआवजे का फैसला करेंगे। मुआवजा की राशि दुर्घटना सहायता निधि के सीधे परिवहन पदाधिकारी को भेजी जाएगी। Thank you.